अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात बिजनेस में फिर एक नए वीडियो के साथ में हाजिर है। आज हम शहर भिवंडी में पहुँचे हैं। हमारे निज़ाम भाई से हम आपको मेंढी और विलायती दिखाते हैं, और ये भी विलायती है फुल वाइट कलर में, और बहुत माशाल्लाह है। पगड़ी एकदम मस्त सिंगार है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, पूरा गुलाबी बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फुल ब्लैक में रामपुरी दो दांत पे है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये भिवंडी निज़ामपुरा में और हमारे निज़ाम भाई के हैं ये सब, और छोटे कान में, खजूरी कान में, और बहुत खूबसूरत है। ब्लैक कलर में, जेड ब्लैक कलर में है पूरा। और दूसरा ये एक विलायती है फुल वाइट में, अच्छे लंबे फ्रेम का। इसके हथियार देखिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत मोटे सिक्कों का है, बहुत शानदार है। चार दांत पे हो गया गालिबन ये भी, और साथ एक ये बच्चा है, बहुत खूबसूरत है। ये भी एक मेंढा है माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सिंग और सिंगार है, बहुत अच्छा है, मोटे मोटा है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थोड़ा यहाँ पे अंधेरा है इसलिए रोशनी पूरी आ नहीं पा रही है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निज़ाम भाई भी आ गए माशाल्लाह। और निज़ाम भाई माशाल्लाह दुम्बे को कलेक्शन देगा मैंने आपका, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा। और क्या रेट से क्या रेट तक है मेरे पास? बाहर जो माल है हाँ हाँ, वो लगभग 18,500 से स्टार्ट है। और हाँ, अगर जैसे कम बजट जो है, मतलब कोई मायूस ना हो, अच्छा अगर चाहिए तो 12,500 का भी मिल जाएगा, यानी कम से कम। अच्छा, अगली जगह से लेते वीडियो डालते हैं कि निज़ाम भाई मैंने ये लिया है, कौन सी जात है। वो जो बेच रहा है उसको खुद नहीं मालूम होता कि मैं किसी का धंधे पे नहीं बोला, लेकिन सबसे पहले हम जो चीज़ बेच रहे हैं थोड़ा उसको समझना चाहिए, उसका क्वालिटी, उसकी जात मालूम होना चाहिए कि कौन सी है। तो खैर वो पठानकोट अगर वो किसी को मोटिया होते हैं ना तो पर्सनल में समझा दूंगा, सिर्फ कस्टमर को। ठीक, आइए आगे बढ़ते हुए एक और मिलाई थी फुल गुलाबो, गुलाबी बच्चा है, पगड़ी अच्छी है, चेहरा अच्छा है माशाल्लाह, सिंह है। 7 महीने में इसकी पूरी हरकत देख लें, सिंह देखा जाता है। सिर्फ मेंढे में हम देखते हैं, मेंढे तो कच्ची मेंढे भी होते हैं और फिर पनोर भी होते हैं, हर क्वालिटी में मेंढा होता है, लेकिन विलायती लोग अक्सर सिंह से जानते हैं। और कुछ सिंह आते हैं मेंढियों की तरह, अगर पतली हो गई तो फिर वो मेंढी और मेंढे में कुछ फर्क नहीं लगता है, लेकिन मेंढे की ये जड़ है, इसी को विलायती बोलते हैं। सही है, इसके लिए तो आपके मेंढे हर फार्म पे जा रहे हैं। सब अल्लाह का एहसान है, मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह का एहसान है कि मैं अपनी नज़रों, मुझे ऐसी ताकत दी है अल्लाह ने कि ऐसी चीज़ें निकालता हूँ और हमारे नाज़रीन के लिए लाकर पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या सिंह जा रही है भाई, दिखाओ ना, तुम दिखा नहीं रहे हो यार। बिल्कुल, दानिश भाई को बुलाना पड़ेगा, डी गोट सॉन्ग वाले बुलेट बुलेट। अब हुई ना बात, 65 किलो के आसपास ये सिंह एकदम भार जाएगी ना भाई। अच्छा है, और दो दांत फ्रेश लगाया है। क्या वजन लेगा भाई? 100 किलो तो मेरे को लगता है हंसते हंसते बना देगा, इंशाल्लाह जाएगा। 5 किलो का भी एवरेज देगा तो हो जाएगा भाई। जिंदाबाद भाई, बिल्कुल तारिक भाई का भी मेंढा वैसा ही है। उसमें का एक और लाया था, अशरफी फार्म पे गया है जो भाई, दद्दू भाई, दद्दू भाई के। वाह, अभी अपने वो सूरत वाले हैं ना, नूरानी गोट फार्म, बहुत अच्छा उनका सूरत में शायद नाम है, खस्सी उन्होंने भी दिया आपसे। तो बोला निज़ाम भाई कभी पाला नहीं है, तुम्हारा ट्राई करो, उनको 2 कड़क वाले रामपुरी दिए, इंशाल्लाह संभलेंगे वो। संभलेंगे तो उनको ही संभलवा देंगे नहीं, उनको बोला मैंने इंशाल्लाह रहेगा ना, तो ईद पे फिर मेरे हैं सूरत के कुछ कस्टमर, तो उनको उधर उनके फार्म पे भेज दूंगा, क्योंकि जब मैं माल देता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी रहती है कि भाई अगर जैसे कोई दिखा रहे हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये खालिया देखो हजरत, इसको बोलते हैं रामपुरी, बगल में छुरी, हाय हाय, बढ़िया बच्चा है ये, इसको नागिन भी बोलते हैं हमारे में। अच्छा, नागिन बोलते हैं हमारे जयपुर में, इसको नागिन बोलते हैं।
काला बच्चा। हमारे शकील भाई, आसिफ भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो नागिन कैसी लगी जरूर बताएं। तो छोटे कान का है तो खजूरी कान में, खजूरी कान बोलो, बंद कान बोलो, ये सब इसके वर्ड होते हैं। ये देना है आपको? हाँ, सब देखने वाला है। क्या खुद तैयार करके बेच रहे हो? ऐसा लग रहा है पलाई पे है। नहीं नहीं आसिम भाई, अभी लास्ट टाइम जो आप आए थे ना, तो जो बच्चे भाग गए थे है ना, हाँ हाँ, तो दो तीन बच्चे एकदम दूर भाग गए थे, वो यही बच्चे आप पहचानोगे? नहीं पहचान में आ रहा। मेरा काम ऐसा है ना आसिम भाई, ये वो डायरेक्ट देखो गाड़ी आती है, गाड़ी का काम भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटा वाला नहीं, ऐसा नहीं। उसमें होता क्या, गाड़ी बनने से पहले ऊपर की जो मलाई रहती है ना, वो साइड में कर लेता हूँ। बाकी तुम किसी को भी दो, कुछ भी दो, उससे मुझे फर्क नहीं है। उसके बाद ये मेरी मेहनत है आसिम भाई, दो महीना डेढ़ महीना मतलब इस बच्चे का चेहरा देख रहे हैं आप, बहुत स्मॉल चेहरा है। अलावा उसके मैंने अभी इसके ऊपर अपने पैसे फंसाए होंगे 15,000, एक मिसाल दे रहा हूँ। दो डेढ़ महीना मैंने अपने ऊपर पैसे इसके फंसाए, बराबर। उसके ऊपर मैंने इसको खिलाई पिलाई वैक्सीन, और खुदा ना खास्ते कुछ होता तो मेरा होता, ये मेरा रिस्क है। मैं कस्टमर को कच्चा नहीं दे सकता, पका के पक्का माल रेडी करके ही दूंगा। समझ उनके जगह पे आके मरे नहीं, मरे नहीं, और मुझे बदनामी मतलब एक नाम जो उछाल देते हैं ना पब्लिक, जो फिर वो बदतमीजी करती है ना, मैं किसी की गलत बात सुनता हूँ ना, अल्लाह के करम से गलत बात बोलता हूँ। एक चीज समझाने के लिए मेरा लहजा थोड़ा तेज हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ना बुरा करोगे नहीं आसिम भाई तो बुरा सुनोगे मेरे। क्या बात है, सही बात है। ठीक, मैं इतनी सेट करके देता हूँ ना कि ये ले जा भाई तू खिला, अभी क्या करना है तेरे को। सच्ची बात करने वाला कड़वा ही लगता है ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सस्ता चाहिए, सस्ता भी मैं दे सकता हूँ, 10-11 हज़ार में चाहिए ना वो भी दे सकता हूँ, लेकिन दरवाजे के बाहर जाएगा मेरी जवाबदारी नहीं है। इसको अभी दो महीना रखना कोई मामूली बात नहीं, मेरा खा रहा है, फिर मैंने उसमें पैसे भरा, कुछ हूँ नीच हो गई तो मेरी होगी ना। सही है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आइए और देखते हैं, एक से एक मिल रहे हैं। वाह भाई, ये तो एकदम मारखोर मारखोर सीन एकदम, ये छुपा के रखे थे। ये चीज है, सीन सिगार देखिए भाई, दुबई में देखा था ऐसा मिंडा, याद है तुमको? ये देखो इंडियन नेशनल लुक आया बिल्कुल इसका, सींग देखो इसके नीचे से, इंडोनेशियन मेंढा, सींग देखो इसकी कैसी है, कम उम्र में ऐसी है, कान देखो इसके। भैया मैं अपने इसके बाजू में बैठो यार, और ये सबसे बड़ी बात, ये 7 से 8 महीने का बच्चा है। हल्का हल्का चेहरा इस तरफ करो, 7 से 8 महीने का, थोड़ा थोड़ा नीचे करो चेहरा, सींग दिखना चाहिए। सींग और नकोटे पे जो इसका है गिलने वाला, सींग और नकोटे पे इसके जाएगा। बेटा उधर देख ले, हुसैन का सागर है, नवीन नाम दिले हुसैन का सागर, सागर है हुसैन, हुसैन सागर, हैदराबाद, ये हैदराबाद जाएगा कंफर्म इंशाल्लाह। हैदराबाद के दो तीन लोगों का कॉल आ चुका था, लेकिन मैंने होल्ड पे डाला है कि भाई मान मेन क्या है मालूम है आसिम भाई, ये समझो 20-20 दिन पहले कुछ बच्चे जो है ना इसमें वो आए हुए हैं, सेट तो उधर ही पे रखे हुए थे, लेकिन सिर्फ मेरे को दिखाना रहता है कि भाई कस्टमर देखो दरवाजे तो मैं बेच भाई ये खेल लेगा, ये खेलना इसको अभी डालना पड़ेगा खूंटे पे, पर खेल लेगा ना ये बच्चा, फिर जब बनेगा तो फिर एक चीज़ अलग ही चीज़ बनेगी जो रहती है ना, और जो मतलब रखेगा शौक से, खेल के लिए तो नहीं दूंगा, तो ये पालने के लिए रखे तो उसको दूंगा, ये गर्मी भी दिखाएगा और फिर तैयारी भी लेगा। क्या और सींग जो लेगा वो तो इंशाल्लाह फिर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉप बनेगा इंशाल्लाह, टॉप बनेगा। और है अंदर मेंढे, सारा माल नहीं, मेंढे तो नहीं है, सारा माल शायद दिखा दिया आपको जी, इतना ही था ये, और इंशाल्लाह कुछ जी रहेगा एक बार।